तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। नए हफ्ते की शुरुआत में संकेत भले ही कमजोरी के हों, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 11,000 के लेवल को होल्ड करके बाजार फिर से रिकवर हो पाएंगे, और अगर टूटे तो फिर क्या। लेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आपको, हमारे टीम को और सभी व्यूअर्स को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्यौहार के साथ हफ्ता शुरू हो रहा है अनिल जी, तो बताइए इस हफ्ते के लिए, इस ट्रेडिंग सेशन के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं सर? बिल्कुल दीप, और आपको और पूरी टीम और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सेफ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राखी मनाएं। और इस बार ये बात साफ है कि रक्षाबंधन में वो मिलना मिलाना नहीं होगा जो आमतौर पर हर साल आप देखते हैं। तो भावनाओं से राखी बंधाएं और बांधें, बजाय इसके कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ट्रैवल करें। नहीं तो आमतौर पर दीप मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर किसी दिन दिखता है दिन के दौरान, तो वो रक्षाबंधन के दिन होता है, क्योंकि सब लोग एक से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हो सके आप भावनाओं के साथ रक्षाबंधन मनाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल से दिल तक भावनाएं पहुँचे वो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन जहाँ तक आज के ट्रिगर्स का सवाल है, आईटी शेयरों के दम पर नैसडेक की तेज़ी बरकरार है, और दमदार रिजल्ट्स एक के बाद एक आईटी कंपनियों के वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और उसी से जोश बनता हुआ दिख रहा है। सोना ड्रीम रन है, गोल्डन रन है सोने का, और 2000 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है डॉलर्स पर। और आज घरेलू बाजारों में भी नया रिकॉर्ड बनने की फिर पूरी पूरी संभावना बनेगी। मारुति यहाँ महीने दर महीने अगर आप देखें तो 88% का बड़ा उछाल, 1,00,000 के पार निकलती हुई गाड़ियों की बिक्री की संख्या। लेकिन अब कोरोना का कहर VIPs पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े नेता इसके संक्रमण में आते हुए दिख रहे हैं। अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोनों ही संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की एक कैबिनेट मिनिस्टर का कल निधन भी हुआ है। तो ये सारी बड़ी दिक्कतें कोरोना को लेकर आती हुई नजर आ रही है दीप। तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स जी। बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे इवेंट्स हैं जिन पर मार्केट्स का रिएक्शन रहेगा। पर सर, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, त्यौहार से हम हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। आज के लिए हमने कई सारे स्पेशल प्रोग्राम्स हमारे व्यूअर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, जरा उस पर आइडिया दीजिए किस तरह की प्रोग्रामिंग आज के लिए व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं राखी के दिन। दीप देखिए, हर घंटे हम आपको भाई बहन शेयर बताएंगे, वो दो ऐसे शेयर जिनका एकदम मतलब जीवन भर साथ है, और चढ़ने और गिरने दोनों में एक साथ साथ रहते हैं, और उन शेयरों का जो आपस में कनेक्शन है वो कनेक्शन हम आपके सामने बताएंगे। साथ ही हम आपको आज एक स्पेशल लिंक करके ये भी बताने वाले हैं कि कौन से वो शेयर हैं जो भाई बहन हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई बहन शेयर हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आप इतनी रिसर्च करते नहीं, पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप देखेंगे तो शायद कुछ हद तक दंग रहेंगे, अच्छा ये दोनों एक ही परिवार का हिस्सा है। तो ऐसे कुछ शेयर भी आपके सामने रखेंगे। तो ये दो स्पेशल ऑफरिंग होगी, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ी स्पेशल ऑफरिंग है दीप आज के लिए, ना आज के लिए बल्कि आज से, वो है कैश का ऑप्शन। आज सुबह से 9:30 बजे हर रोज आपको मिलेगा कैश का ऑप्शन। कैश का ऑप्शन क्या है? आपने देखा कि कैश मार्केट में किस तरह से अब मार्जिन बढ़ने की तैयारी है, हालांकि कुछ समय के लिए टाला जरूर है, लेकिन हमारी तैयारी जी बिजनेस के दर्शकों को एक कदम आगे रखने की है। और इससे पहले कि मार्जिन के नए नियम लागू हों और आपको ट्रेड करने में दिक्कतें आएँ, हमने उसके लिए आपके लिए एक तरीका ढूंढा है। और तरीका वो ये है कि आप 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की कैपिटल के साथ आप ऑप्शंस में कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पर मार्जिन कम रहेगा, रिस्क कम रहेगी, और आपके लिए ब्रोकरेज भी कम रहेगी, क्योंकि ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जिसमें आप आराम से ट्रेड कर सकें। तो आज सुबह 9:30 बजे से कैश का ऑप्शन मिलेगा, और दोपहर हर रोज 3:10 पर भी आपको एक कैश का ऑप्शन मिलेगा। और आमतौर पर ये ऑप्शन आपके लिए निफ्टी का होगा, और जो कुछ लोग जो कैश मार्केट में थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और जो स्टॉक्स में ट्रेड कर पाते हैं, स्टॉक्स में मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है 20,000 से 25,000 का, और इंडेक्स में आप ट्रेड करें तो 10,000 रुपये के मार्जिन में ही आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम लॉस अगर किसी ऑप्शन में, इस तरह के ऑप्शन में हो सकता है, तो वो 2,500 या 3,000 रुपये, ताकि आपके रिस्क भी कम है। और अगर आप कम रिस्क में ट्रेड करना चाहते थे और अगर आपको मार्जिन का इश्यू है, तो अब आपको ऑप्शन में ये मौका मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं जो लोग कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं वो हल्के फुल्के से समझ लें
क्योंकि चूंकि हम यहाँ पर ऑप्शंस आपको बेचने की राय कभी नहीं देंगे, सिर्फ खरीदने की राय देंगे ताकि आपकी रिस्क लिमिटेड रहे और आपको पता रहे। तो आसान तरीका धीमे धीमे, और वो शुरुआत हम इंडेक्स ऑप्शंस के साथ करेंगे, निफ्टी के ऑप्शंस के, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के साथ करेंगे ताकि आपको ट्रेड करने का एक तरीका आ जाए। तो जिन लोगों को हल्की फुल्की कमाई करनी होती, कई बार होता है ना कैश मार्केट के में लोग ट्रेड करते हैं कि 80 रुपये का शेयर है, चलिए 200 शेयर ले लिए, 82 रुपये में बेचने का डाल दे, 2 रुपये मिल गए, यानी कि 300-400 रुपये दिन के बन गए, उन्हें संतोष है। इस तरह के जो लोग जो छोटे ट्रेड करके संतोष करना है, जिनको दिन के 500-2000 रुपये बन गए शांति से, उनके लिए काफ़ी है। उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हम आज से शुरू करें ताकि जब भी सेबी के नियम ये आपके लिए पूरी तरह से लागू हो, तब आपको ये ना सोचना पड़े कि अब हम क्या करें, हम आपको उसके लिए आज से ही तैयार कर रहे हैं। और ये देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी के बढ़िया लिक्विड ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कम मार्जिन में कम रिस्क के साथ अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की ये बड़ी खास पेशकश जो हम आज से शुरू कर रहे हैं दीप। बिल्कुल, तो आप सबके लिए एक नई पेशकश जो आपको बेहतरीन ट्रेड्स दे सकते हैं मार्केट्स में। तो वहाँ पर सर फोकस रहेगा, काफ़ी सारे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, राखी का भी दिन है। तो एक जो बड़ा सवाल बाज़ार में अब बन रहा है, और पिछले हफ्ते के एंड से हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये 11,000 का स्तर, 10,950 का स्तर, ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के सेंटिमेंट के लिए, मार्केट के ट्रेंड के लिए? क्या हम इस लेवल को होल्ड कर पाएंगे सर, आपको क्या लगता है? दीप देखिए, अब तक तो डेटा ये बता रहे हैं कि होल्ड होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप बार बार इसी पीछे तीन चार दिनों से आप देखिए हो क्या रहा है, तीन ट्रेडिंग सेशन से आप लोअर हाई बना रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा रहा है जब शुक्रवार को आप नेगेटिव क्लोज हुए हैं, ठीक है, नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, लोअर लो बना रहे हैं। 11,026 आपका शुक्रवार का लो है। तो अल्टीमेटली जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 11,000 है। अगर 11,000 को आप निर्णायक तौर पर तोड़ते हैं, उसके नीचे बंद होते हैं, टिक जाते हैं, तब तो आप थोड़ी करेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। अदरवाइज मैं ये मानता हूँ कि एक टाइम वाइज करेक्शन है, इतनी तेज़ दौड़ लगाने के बाद अगर निफ्टी 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपरी लेवल से फिसल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11,341 का हाई बनाकर अगर आप 11,300 तक आते भी तो कितना, 300-325 पॉइंट का करेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल मार्क है जो इंपॉर्टेंट है डेटा के लिहाज से भी और मनोवैज्ञानिक स्तर भी है, और वो 11,000 का है। तो मेरा ये समझना है, आपको अगर आपको लगता है कि बाजारों में करेक्शन हो सकता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिगर पर नज़र रखना है, एक ही लेवल पर रखना है, वो है 11,000। आपको 11,000 का लेवल जैसे ही टूटता है क्लोजिंग बेसिस पर, और एक आध दो दिन देख लें भले ही चाहे तो अपने कंफर्ट लेने के लिए, अगर 11,000 के नीचे 10,950 11,000 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप तेज़ी के गियर से न्यूट्रल गियर में आ जाइए और फिर आप थोड़ी सी पोजीशन अपनी हल्की कर लीजिए, हेज होकर चलें। अगर 10,950 11,000 नहीं टूटता है तो अभी तक आप तेज़ी के ट्रेंड में, बिल्कुल इसमें कहीं इफ़ और बट की बात नहीं है। तो ये दो लेवल पर आपको नज़र रखे ट्रेड करना है। वापस भरपूर तेज़ी आपकी तब होगी जब आप 11,300 के ऊपर बंद होंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए रेंज बहुत साफ है, नीचे 11,000 और ऊपर 11,300। वजह, अब तक की हाइएस्ट क्लोजिंग आपने 11,300 की देखी इस पूरे बुल रन में, और पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से आपने 11,022 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी, लोएस्ट क्लोजिंग है। तो मैं राउंड फिगर पर 11,000 मानकर चल रहा हूँ। तो 11,000 के नीचे क्लोज होंगे तो नीचे की रिस्क खुलेगी। अब वो फिर 200 पॉइंट की 10,850 तक तो दिखता है वहाँ, अगर 11,000 आपने तोड़ा तो वहाँ पर हम रिव्यू करेंगे कि क्या 500 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से हो गया उतना काफ़ी है या ज़्यादा है। और इस बीच अगर 11,000 का सपोर्ट लेकर बाजार वापस बढ़ जाते हैं तो 11,300 पार करने के बाद आपको 300-500 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के लिए तैयार होना है। जब तक 11,000 से 11,300 की रेंज में आप बंद हो रहे हैं तब तक आप ये मानकर चलें कि आपको एक टाइम वाइज करेक्शन देना है। अच्छी दौड़ लगाने के बाद आप थोड़ा रुक कर सांस ले रहे हैं, अपनी एनर्जी फिर गेन कर रहे हैं और फिर दौड़ेंगे। तो प्योरली ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार अपना रिवर्सल देगा, और उस लिहाज से आपको अपना सेटअप रखना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत क्लियर है, 11,000 11,300 इसके बाहर कहीं भी क्लोजिंग होती है ऊपर या नीचे की तरफ, हम उस वहां पर अपना डायरेक्शन बनाएंगे। तब तक हम तेजी के ट्रेंड में ही बने हुए हैं। बिल्कुल, तो तेजी के ट्रेंड में है और वहीं पर बने रहेंगे, देखते हैं आज का एक्शन कैसे रहता है। सर भरपूर क्यूज हैं जिस पर आज रिएक्शन आएगा। एक
छोटा सा सवाल, जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं जुलाई के महीने के, ऑब्वियसली जून के मुताबिक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं बेस की वजह से, पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर नंबर्स अनुमान से बेहतर या अनुमान मुताबिक हैं और मारुति से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, इससे क्या सेंटिमेंट लेना चाहिए, क्या इंडिकेटर लेना चाहिए? ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही बढ़िया नंबर है, स्पेशली ट्रैक्टर बिक्री के नंबर्स जो हैं, रूरल इकोनॉमी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना के वक्त ज़्यादा कहर शहरों में था, ग्रामीण इलाकों में उतनी दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर दिक्कतें एक्चुअली अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जितने लोग शहर से अब गाँव में गए, अब गाँव में और छोटे शहरों में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है पहले के मुकाबले में, तो वो आगे चल के देखेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये नंबर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे हैं, बस ये कि ये सस्टेन होनी चाहिए और इसी तरह की रिकवरी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनियों ने इस बार डीलर को बड़ा पुश किया है कि आप इन्वेंट्री ले लीजिए, उन्होंने भेजा भी है, थोड़ी पेंटअप डिमांड भी है, लेकिन ओवरऑल सी आप मंथ ऑन मंथ आंकड़ों पर जाते हैं, हो सकता है अगले महीने आपको आंकड़े उतने मजबूत ना भी दिखें, लेकिन इस महीने के आंकड़े तो बेहद मजबूत है, उत्साहित करने वाले हैं कि चलिए कम से कम कंपनियां ट्रैक पर आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि पहले ये भी डर था कि कोरोना की वजह से क्या होगा, क्या डिमांड कम हो जाएगी, लोगों का परचेजिंग पावर कम होगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि एक चीज़ और जो साफ दिख रही है वो ये कि अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए भी काफ़ी लोग ये प्रीफर करेंगे कि बजाय इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें अपना व्हीकल रखें, तो उस लिहाज से मुझे लगता है टू व्हीलर फोर व्हीलर्स की डिमांड कुछ समय तो मजबूत रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन उस लिहाज से आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये नंबर्स बड़ा आपके लिए जोश बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा था, और यही वजह से आप देखिए कि सारे ऑटो स्टॉक्स बड़ी तेज़ दौड़ लगाते हुए दिखें। खैर ये बात भी है कि मार्केट में सबने तेज़ दौड़ लगाई, लेकिन अच्छी बात है कि हफ्ते की शुरुआत करने के लिए ऑटो नंबर्स बढ़िया मजबूत आए, मूड सुधारने वाले हैं, बिगाड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, तो मूड वहाँ से भी सुधरने वाला है, फार्मा शेयर्स में भी अच्छा एक्शन चल रहा है, कई सारे सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे। तो फिर आज का सेटअप बताइए सर, किस तरह के संकेत दिख रहे हैं आपको, आज का सेटअप कैसे लग रहा है? दीप, आज के सेटअप में देखिए जो कुछ भी संकेत हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हल्के से रखे, न्यूट्रल मानकर चल लीजिए आप ग्लोबल संकेतों को। उसके अलावा आपके FIs के संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं, क्योंकि FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, वो हम आगे विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। घरेलू फंड्स न्यूट्रल हैं, हालांकि आंकड़े उनके थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखें, लेकिन फिर भी मैंने न्यूट्रल इसलिए रखें कि एक आध दिन और देख लिया जाए कि वाकई में वो खरीदने के मूड में हैं क्या। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव है। जी दीप, तो ये तो रहा आज के सेटअप के बारे में जो संकेत हैं, और ट्रेंड पॉजिटिव है ये इम्पोर्टेंट है। रेंज क्या फिर निकल कर आ रही है सर दिन के ट्रेड के लिए? रेंज का जहाँ तक सवाल है दीप, देखिए आज की रेंज है 10,950-11,050, ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आप देख सकते हैं। जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं। 11,150-11,225 हायर रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए 21,250-21,400 सपोर्ट जोन है, इसके नीचे गए तो 21,050 है, और ऊपरी स्तरों पर 21,800-22,000 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। दिन की छोटी रेंज 11,025-11,100 मानकर चलिए, मीडियम रेंज 11,000-11,150, ज़्यादा संभावना ये कि आप 11,000-11,025 की रेंज में शुरुआत करेंगे, फिर देखते हैं 11,000 होल्ड हो पाता है या नहीं। 10,950-11,200 ये बड़ी रेंज है। वैसे आपने इस वीकेंड पर SGX निफ्टी को एक बार 100 पॉइंट नीचे भी देखा था, और उन्होंने SGX निफ्टी ने 11,000 का लेवल फ्यूचर्स में तोड़ा ज़रूर था, बाद में वापस SGX निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अब धीमे धीमे जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स थोड़े से ठंडे हो रहे हैं कमजोरी बढ़ती दिख रही है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 21,400-21,800 है, 21,250-21,900 ये मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज जो है वो 21,050-22,050 की, ये 1,000 पॉइंट की निकल कर आती है, ये आपके लिए रेंज हो गई। पुट कॉल रेशियो 1:31 पर है, कंफर्टेबल है, बिल्कुल आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और विक्स 2% नीचे आया है। जी दीप, बिल्कुल, तो लास्ट दो सेशन से पुट कॉल रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल होता हुआ दिखा है, ये एक अच्छा संकेत जरूर है। इन सारे संकेतों को देखें सर, तो जिनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन से कैरी फॉरवर्ड करी है उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए?
जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको स्टॉप लॉस एक ही रखना चाहिए, इंट्राडे हैं चाहे क्लोजिंग बेसिस पर, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो क्लोजिंग बेसिस पर रखें और डे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे बेसिस पर, और वो है 11,000। 11,000 के नीचे जाकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर तेजी की पोजीशन होल्ड करने का कोई मतलब नहीं, आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। बैंक निफ्टी पर आपको मैं छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इसलिए कि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी कुछ और लेवल्स तोड़ता है तो फिर मुश्किल हो सकती है। छोटा स्टॉप लॉस दिन के दौरान आपके लिए 21,500 का है, क्लोजिंग 21,600 के नीचे होती दिखे, एक्चुअली 21,640 कल जो क्लोज हुआ। अगर एक और नेगेटिव क्लोज अगर आपको आज बैंक निफ्टी पर मिलता है तो आपको बैंक निफ्टी में से भी एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले दो दिनों की क्लोजिंग 21,646 21,640 है, यानी कि 21,600 को होल्ड कर रहे हैं हम क्लोजिंग बेसिस पर, तो बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 21,600 है। जिन लोगों की शॉर्ट पोजिशन है वो 21,200 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और जिन लोगों के बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन है उनको 21,800 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, या ज़्यादा से ज़्यादा 21,850 तक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 21,800 या 21,850 का स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ पर पोजीशन अपनी स्टॉप लॉस के लेवल पर रख सकते हैं, ये एकदम साफ है आपके लिए। जी दीप, बिल्कुल, तो ये तो रही जहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, नई पोजीशंस अगर आपको आज बनानी हो सर तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,000-11,025 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं आप खरीदारी करने का, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर 11,000 के नीचे गए तो मुसीबत बढ़ सकती है और तब आपको 10,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 11,075, 11,150, 11,200 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक तेजी का मौका आप बना सकते हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं 11,150 से 11,225 की रेंज में अगर रिबाउंड होकर कभी बाजार आए तो वो एक अच्छा लेवल है बेचने के लिए, और जो वैसे ही बेचना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 11,150 का बन जाता है। नीचे की तरफ आपके लिए 11,100, 11,075, 11,025 ये तीन टारगेट होते हैं। ये तभी संभव होगा जब आप 11,000 को होल्ड करके रिकवर कर पाते हैं, अगर रिकवर नहीं कर पाते फिर तो बात ही खत्म है दीप, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो आपके लिए 11,150 उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल होकर आपका आ जाएगा जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 21,400-21,500 के रेंज में बहुत, अगर आप स्किल ट्रेडर हैं रिस्क लेना जानते हैं तो खरीदिए, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा अच्छा लेवल खरीदारी करने के लिए 21,250 का निकल कर आता है, तो या तो आप 21,250-21,400 के रेंज में लीजिए। 21,400-21,500 के रेंज में खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर हो जाता है, और अगर बाजार देख लें, अगर बाजार बहुत नीचे खुल रहा है तो 21,250 के आसपास खरीदने का सोचेंगे और तब स्टॉप लॉस 21,000 का होगा, लेकिन फिलहाल 21,400-21,500 के रेंज में एक चांस ले सकते हैं। 21,650-21,800-21,900 22,000 मैक्सिमम है, 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी दिख नहीं रहा निकलता हुआ, तो अगर रिकवरी आए और वहाँ पर हो तो आपको बेचना चाहिए। जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए क्लियर कट 21,800-22,000 एकदम सेफ रेंज है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 22,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 21,650-21,500 और 21,400 के लिए, लेकिन जहाँ खुले वहाँ पर जो ट्रेड करना है, और वो ट्रेड आज का इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के आसार दिख रहे हैं दीप, तो वो मैं आपको उस वक्त सुबह 9:08 पर बताऊंगा कि क्या ट्रेड सेटअप नया बन सकता है। ये एक आइडियल ट्रेड सेटअप है, लेकिन एक्चुअल ट्रेड सेटअप जो बाजार की ओपनिंग मिलेगी आपको 9:08 पर, वो एकदम मैं आपको परफेक्ट दूंगा। जी दीप, बिल्कुल, देखते हैं आज का सेशन कैसा होता है। फिलहाल अगर आप SGX निफ्टी पर देखें तो थोड़े कमजोरी के संकेत जरूर हैं, 75 अंक नीचे है। सीरीज का दूसरा ही दिन है तो वायदा कारोबार के बैन में तो कोई स्टॉक नहीं है सर, पर जो वायदा कारोबार के संकेत हैं वहां से क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, और जो फंड फ्लो एक्शन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, फाइनली DIs की थोड़ी खरीदारी आई है, FIs नेगेटिव है, वहां से क्या संकेत लेने चाहिए? FIs के आंकड़े मज़ेदार नहीं है दीप, वापस से है ना थोड़ी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आना शुरू हो गई, तो जो कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ रहा था FIs की तरफ से 11,000 के ऊपर निकलकर, वो अब धीमे धीमे जाता हुआ नजर आ रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात है। और सामने घरेलू फंड कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने पहले बिकवाली का हाथ रोका है, अब कल शुक्रवार के सेशन में 443 करोड़ की हल्की खरीदारी की है, छोटी है। 960 करोड़ की बिकवाली FIs की कैश मार्केट में है। वायदा कारोबार में 629 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और बेचे, यानी कि लगभग 1600 करोड़ की स्टॉक्स की बिकवाली है FIs की, और इंडेक्स भी खरीदा नहीं है, 30 करोड़ का ही है, छोटा सा ही खरीदा है, तो FIs के आंकड़े थोड़े खराब है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के सेशन में आपके लिए ग्लोबल मार्केट से भी बड़ी रिस्क अगर कोई है तो वो FIs के आंकड़ों की, ये आंकड़े अच्छे नहीं है, मजबूत नहीं है दीप, ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर ऊपरी स्तरों पर FIs नहीं खरीदेंगे तो खरीदेगा कौन, क्योंकि घरेलू फंड तो ऊपर कूद के खरीदने वालों में है नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत की बात यहाँ पर हो सकती, तो FIs के आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं आज के सेशन में। जहां तक वायदा कारोबार के आंकड़ों का सवाल है दीप, वायदा कारोबार के आंकड़ों में
प्रीमियम तेजी से बढ़कर आई निफ्टी में, 9 पॉइंट के डिस्काउंट से 22 पॉइंट की प्रीमियम आ गई, तो ये प्रीमियम थोड़ी सी कम होने की संभावना है। बैंक निफ्टी 15 पॉइंट के डिस्काउंट से 51 पॉइंट प्रीमियम पर आ गया। पुट कॉल रेशियो 1:49 से 1:31 हुआ है, तो थोड़ा नीचे आ गया, कंफर्टेबल। सबसे बढ़िया बात यह कि पुट कॉल रेशियो में अब मार्केट ओवरबॉट नहीं है, वो एक अच्छा संकेत है। 11,100 आपके लिए, जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक आप रिस्क पर ही हैं, और वो इसलिए कि 11,100 के पुट और कॉल दोनों पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 15,00,000 शेयरों के आसपास का, तो इसके ऊपर बने रहेंगे तो आप थोड़े बेहतर हैं, 11,100 के नीचे हैं तो कमज़ोर हैं। लेकिन अल्टीमेटली बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 11,000 का ही है। वीकली और मंथली, मंथली सीरीज भी अभी शुरू हुई इसी हफ्ते, वीकली सीरीज तो है ही, दोनों में दीप है ना, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 11,000 के लेवल पर है। और किसी बड़े, एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 11,000, दूसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, दूसरा ये कि पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में आपने 11,022 के नीचे की क्लोजिंग दी नहीं है, तो अब अगर आप 11,000 के लेवल को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नीचे का रास्ता खुल जाता है, घर खुल जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसलिए 11,000 आपके लिए होल्ड होना। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आखिरी उम्मीद आज 11,000-11,025 का सपोर्ट जोन है, बहुत हो गया तो 10,950 तक वेट करिए, उसके बाद आप अपनी तेजी की पोजीशन को न्यूट्रल पे ले आइए, फिर आराम से बैठिए, शांति से देखिए कि अब मुझे पोजीशन तेजी की तरफ बनानी है वापस या मंदी की तरफ बनानी है, एक बार जीरो हो जाइए और उसके बाद आप ट्रेड करिए। तो ये 10,950-11,025 आज के लिए सबसे क्रूशियल, इनफैक्ट आज के लिए नहीं, ये पूरी सीरीज की दिशा दशा तय करेगा। 10,950-11,025 की 75 पॉइंट की रेंज दिशा दशा तय करेगी कि वापस करेक्शन पूरा करके बाजार को ऊपर जाना है या करेक्शन को थोड़ा बड़ा होना है। तो ये 75 पॉइंट लिख कर रख लीजिए कागज पे कहीं भी कि इसके बेसिस पे मुझे आगे तय करना है। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 22,000 ऊपर, 6,00,000 शेयर हैं कॉल्स में, पार करना मुश्किल है। 21,000 अगला अहम सपोर्ट है जहां पर 5,00,000 शेयर है, बीच में हल्का सा रुकावट वाला लेवल 21,500 के आसपास का है। डेटा कम है बैंक निफ्टी में, ज्यादा बने नहीं है, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, और एक बात कंफर्म है, भरपूर एक्शन होने वाला है आज के बाजार के ट्रेडिंग सेशन में। नज़र रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं जहां पर आप नज़र रखिए। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए और जानेंगे भरपूर रिजल्ट्स जो आए हैं ओवर द वीकेंड उन पर उनकी क्या राय है। पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कौन से ऐसे खबरों वाले स्टॉक्स हैं, एक्शन इवेंट्स हैं और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों का सीजन तो बिल्कुल एक्शन में है और आज कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जिसके नंबर्स हैं, लेकिन वीकेंड के दौरान भी काफी नंबर्स आए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कैश स्पेस में अच्छे नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में 30% का इजाफा होता हुआ दिखा, लेकिन मुनाफे में 42% की गिरावट जरूर दिखी है। ग्रॉस एनपीए 0.9% पर दिखे हैं, नेट एनपीए आप देखिए 0.2 से 0.1% पर जाते हुए दिखे हैं। एमईपी इंफ्रा कंपनी के नतीजे जो है कमजोर है, कंपनी की आय में करीब 39% की गिरावट हमने देखी है, मार्जिन्स 22% से 13% पर जाते दिखे हैं और मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है, 16 करोड़ के मुनाफे के सामने 44 करोड़ का घाटा कंपनी अब देख रही है। मक्लॉयड रसेल कमजोर नतीजे हैं, कंपनी सालाना आधार पर रेवेन्यूज 328 करोड़ से 215 करोड़ देख रही है, वहीं लॉस कंपनी झेल रही है, पिछले साल 370 करोड़ का नुकसान था, इस बारी 70 करोड़ का और नुकसान कंपनी देख रही है। एमएमटीसी कमजोर नतीजे हैं, यहां पर कंपनी की आय 7,101 करोड़ से 3,495 करोड़ पर जाती दिखी है और नुकसान भी कंपनी का है, मुनाफे से घाटे में आई है, 11 करोड़ का मुनाफा पिछले साल देख रही थी, 271 करोड़ का घाटा अब ये कंपनी Q1 में देख रही है। इसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स हैं और 271 करोड़ का घाटा ये देख रही है। जयश्री टी के नंबर्स कमजोर रहे हैं, कंपनी की आय करीब 6% गिरती दिखी है और साथ ही नुकसान कंपनी झेल रही है, 15 करोड़ का नुकसान पहले था, 45 करोड़ का और नुकसान देख रही है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कंपनी के कमजोर नतीजे, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखने को मिली है 30% की, लेकिन मुनाफा 33% तक गिरा है, क्रॉस एनपीए 0.5 से 1.6% पहुंच गए हैं और साथ ही 140 करोड़ की एडिशनल प्रोविजनिंग भी देखने को मिली है जो कि कोरोना के चलते एक इंपैक्ट के तौर पर कंपनी बता रही है। ओके, भरपूर स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों पर एक्शन देखने को मिलेगा। पूजा भी हमारे साथ तैयार है, पूजा बताइए खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स पर एक्शन दिखेगा आज। जी, शुरुआत त्रिवेणी इंजीनियरिंग से करें, लेकिन नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी, वहां पर भी
ओके, थोड़ी सी ऑडियो इशू आ रही है पूजा के साथ, उनके साथ दोबारा संपर्क जोड़ेंगे। तब तक जान लेते हैं ब्रोकरेजेस का आज फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स आती है। देखिए सबसे पहले आप देखिए दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट सही है और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ने इसको थम्स अप दिया है। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 240 से बढ़ाकर 270 कर दिया है। 191 शुक्रवार की क्लोजिंग है और इन्होंने अर्निंग्स के एस्टिमेट में भी अगर आप देखें तो लगभग 40% की बढ़ोतरी की है। ब्रोकरेज हाउस ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते नजर आ रहे हैं। मॉर्गेज स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 205 से बढ़ाकर 215 कर दिया है और नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे 230 रुपए के लक्ष्य के लिए। सनफार्मा पर भी नजर रहेगी, यहाँ पर नतीजों का इंपैक्ट है। सीएलए से फिर से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। ये कह रहे हैं स्पेशलिटी कारोबार में बढ़िया बिक्री देखने को मिली है, इसके चलते नतीजे बढ़िया देखने को मिले। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 516 से बढ़ाकर 578 कर दिया है और HSBC ने रेटिंग को अपग्रेड किया, होल्ड की रेटिंग को बदलकर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 485 से बढ़ाकर 585 कर दिया है। टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए थे और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज का फायदा देखने को मिला। CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी की राय दी है, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है। लक्ष्य में भी देखिए आप बहुत बढ़िया बढ़ोतरी की, 103 से बढ़ाकर 135, 105 रुपए जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 155 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो UPL के भी नतीजे आए थे, नतीजे शानदार देखने को मिले थे। अरिस्टा के अधिग्रहण का फायदा देखने को मिला, CLSA ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 620 कर दिया है, 478 कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य दिया 426 रुपए का। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस पर भी रिपोर्ट आई है CLSA की, जहां पर एक आया कि कोरोना वायरस का पॉजिटिव इंपैक्ट सरप्राइजिंगली देखने को मिला है कंपनी के ऊपर। और जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी नजर रहेगी क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने डिलीवरी फीस लगाई है 21 से 32 रुपए की, इससे मांग पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आगे जाकर एबिटा और मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। भरपूर स्टॉक्स रहेंगे आज एक्शन में ब्रोकरेजेस के दम पर भी। चलिए पूजा हमारे साथ फिर से जुड़ गई, पूजा बताइए आप कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में बोल रही थी। जी कोल इंडिया से के बारे में बता रही थी, जुलाई में जो उत्पादन की बिक्री है वो कंपनी ने घोषित किया है और 3% की कमी यहाँ पर दी है। इसके अलावा जो ऑफटेक था उसमें भी 7% की कमी को मिले, तो क्वार्टरली कमजोर है, 10% की कमी। मोइल पर भी नजर रखिए, मैंगनीज सभी ग्रेड्स के दाम में लगभग कटौती की है, अब तक की कमी की है और जो नए दाम है वो 1 अगस्त से लागू हो चुके हैं। सिंजिन इंटरनेशनल, यहाँ पर भी खबर आई है कि इकरा ने कंपनी की जो लंबी अवधि की रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है। इकरा ने रेटिंग AA से बढ़ाकर AA की दी है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा IRB इंफ्रा आज ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। भारतमाला परियोजना के तहत कंपनी को करीब 1241 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर है वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए मिला है। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं, IRB इंफ्रा यहाँ पर भी नजर रखिए, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के 8 लेनिंग के लिए 1240 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है। पर ऑटो सेल्स है, ये भी भरपूर एक्शन यहाँ पर भी दिखेगा ऑटो पैक में। ऑटो सेल्स आई हैं जुलाई के महीने के लिए, जान लेते हैं कुशल के साथ। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए कैसे रही हैं ऑटो सेल्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी पर पहले नज़र डाली है, यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हमारा जो अनुमान था 1,08,000 यूनिट्स का, उसके मुकाबले कंपनी ने एक लाख 9,264 यूनिट्स बेचने में सफल रही है और इसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए कहीं ना कहीं एज पर एस्टिमेट्स ही नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि आज के हिसाब से रिएक्शन यहाँ पर आता है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर इनकी जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों की जो कंबाइंड सेल्स है वो अनुमान से थोड़ी सी कमजोर आती हुई दिखी है। हमारा जो नेट इनफैक्ट बेटर आती हुई दिखी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो अनुमान था वो करीब 28,200 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले आप देखिए जो कुल बिक्री आई है वो करीब 25,678 यूनिट्स की आई है।
और साथ ही ट्रैक्टर बिक्री अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी परसेंटेज वाइज जो राइज है वो 27% की आती हुई दिखी है। हमारा जो अनुमान था वो करीब 23,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 25,400 यूनिट्स कंपनी की कुल ट्रैक्टर बिक्री आती हुई दिखी है, यानी कि ट्रैक्टर बिक्री में बहुत ही अच्छा रुझान है, पर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा सा धीमापन हमें देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स यहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हमारा जो अनुमान था 2,31,000 यूनिट्स का, उसके मुकाबले 2,43,000 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल हुई है जुलाई महीने में। साथ ही अगर आप आइशर मोटर्स की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर दोनों टू व्हीलर और वॉल्वो आइशर सीवी जो इनका ज्वाइंट वेंचर है, यहाँ दोनों फ्रंट पर जो है नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। रॉयल एनफील्ड में 39,000 यूनिट्स का अनुमान था, उसके मुकाबले 40,334 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। और साथ ही जो वॉल्वो आइशर सीवी है वहाँ पे 1,850 यूनिट्स का हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसके मुकाबले 2,184 यूनिट्स जो है कंपनी बेचने में सफल हुई है। इसके अलावा सीवी स्पेस ही अशोक लेलैंड को देखें, यहाँ पर भी नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। 3600 यूनिट्स का अनुमान के मुकाबले कंपनी लगभग 4300 यूनिट्स बेचने में सफल रही है। साथ ही अगर टू व्हीलर स्पेस में और हीरो मोटोकॉर्प जो देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी है इसको देखें तो यहाँ पर भी नंबर्स जो है अनुमान से बेहतर साइड पर नजर आ रहे हैं। 5,10,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 5,14,000 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल हुई है। साथ ही और भी कुछ एक अगर आप ओवरऑल स्पेस में देखें तो और एक कुछ एक और कंपनियों ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें अतुल ऑटो, यहाँ पर नंबर्स कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। हमारे पास एस्टिमेट्स नहीं थे दो इसके, बट 62% इनकी जो बिक्री है वो गिरती हुई नजर आई है। साथ ही SML इज़ुज़ू, यहाँ पर भी 64% की गिरावट हमें देखने को मिली है जुलाई बिक्री में। एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, 9.5% इनकी कुल ट्रैक्टर बिक्री बढ़ती हुई दिखी है, 5,322 यूनिट्स। और अंत में VST टेलर्स, यहाँ पर भी नंबर्स बेहतर साइड पर दिख रहे हैं, चाहे आप पावर टेलर्स को देखें या ट्रैक्टर बिक्री दिखें, दोनों में करीब 6% और 18% की रिस्पेक्टिव बढ़त हमें देखने को मिली है। ओके, तो ये हैं वो तमाम ऑटो नंबर्स जिन पर आज एक्शन रहने वाला है, लेकिन एक्शन रहेगा नतीजों के दम पर और वो भी ज़बरदस्त, क्योंकि नतीजे आए हैं पूरे वीकेंड पर। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता कितने, मेरे ख्याल से सैकड़ों में नंबर्स आए हैं, तो वरिंदर ही बताएंगे कितने नंबर्स उन्होंने पूरे वीकेंड पर पढ़े हैं और उनमें से कौन कौन से चुने हैं। तो शुरुआत करते हैं पटाखा रिजल्ट्स के साथ जो बहुत ही तोड़फोड़ दमदार शानदार रिजल्ट्स आए हैं। वरिंदर गुड मॉर्निंग, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। जी गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए कितने रिजल्ट थे इस वीकेंड पे? सर कुछ 480 कंपनीज ने रिपोर्ट किया था रिजल्ट इस बार, यू नो लास्ट तीन दिन में, फ्राइडे और सैटरडे को मेजरली। सो यू नो विल स्टार्ट विद द पटाखा रिजल्ट्स। यू नो जैसे हम बोल रहे हैं सर बार बार, केमिकल्स, APIs, सॉफ्ट कमोडिटीज, आई थिंक ये एक सेगमेंट है जिसने दमदार नंबर्स दिए हैं इस बार। दीपक फर्टिलाइजर्स सर, आई विल पुट दैट इनटू पटाखा कैटेगरी। आई नो कि रिजल्ट्स फ्राइडे को आ चुके थे, स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर था, बट सर अभी भी वो 7 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 7 टाइम ट्रेडिंग यू नो ट्रेलिंग PE पे ट्रेड कर रहा है, सो इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। पर अब नंबर्स देखिए सर, आप देखिए कि अगर लॉकडाउन में ये नंबर्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है इन कंपनीज में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो हो रहा है चेंज हो रहा है सेक्टर में, ये एक दो दिन का चेंज नहीं है। सेल्स 23% ऊपर थी, पर एबिटा सर, एबिटा जो कामकाजी मुनाफा आपने जो मुझे सिखाया है वो 127% ऊपर था, 10% से मार्जिन 20% पे चले गए। और जो केमिकल सेगमेंट है, केमिकल सेगमेंट में वो जो 17% मार्जिन कमाते थे वो आज 30% मार्जिन कमा रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना उनका यू नो लेवरेज यू नो कितना हो रहा है, तो उनको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ दे कंटिन्यू, बट यू नो ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दीपक फर्टिलाइजर, वी डोंट ओन द स्टॉक। डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर में आई थिंक दिस इज अ कंपनी विच रिपोर्टेड द बेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, सेल्स अप 51%, एबिटा डबल हो चुका है, प्रॉफिट 131% ऊपर था। अब शुगर सेगमेंट देखिए सर, जो 28 करोड़ का एबिट करता था इस बार 115 करोड़ का एबिट कर रहा है। डिस्ट्री जो 41 करोड़ करता था 56 कर रहा है, 5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सो नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक। अगेन कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटी सेगमेंट है, सो वॉलेटाइल अर्निंग्स हो सकती हैं, बट दिस क्वार्टर इफ टू सी इन द शुगर पैक, यू नो डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज और वन ऑफ द यू नो पटाखा सेटअप नंबर्स। ओके, लेकिन जो अच्छे नंबर्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं वो बताइए, उस लिस्ट में कौन से रिजल्ट्स हैं? सर तो मोतीलाल ओसवाल एज अ डिस्क्लोजर, अवर PMS हैज पोजीशन इन दिस कंपनी, गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन इसमें। ओके, गुड नंबर्स में मोतीलाल ओसवाल से शुरुआत की है, लेकिन देखते हैं। जी 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 जी, बीच में आपका ऑडियो चला गया, जी बोलिए।
सो प्रॉफिट कुछ 170 करोड़ वर्सेस 130 करोड़ आया है. अगेन कैपिटल मार्केट सेगमेंट में उसका प्रॉफिट 58% ऊपर गया है. दैट हैज बेनिफिटेड द कंपनी. ऑफकोर्स इसका बायबैक भी पेंडिंग है सर, 150 करोड़ का बायबैक जिन्होंने करना है. सर लिबर्टी शूज के नंबर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे. आई वॉज सरप्राइज कि यार बाटा के नंबर खराब आ रहे हैं, लेक्सो के नंबर खराब आ रहे हैं, लिबर्टी शूज के नंबर क्यों अच्छे आ रहे हैं. लिबर्टी शूज का सेल्स 40% ऊपर था. मैं बोला यार 40% इसका कैसे ऊपर हो सकता है. बाद में अगर आप देखेंगे सर तो ये मार्च रिपोर्टेड नंबर्स हैं, जून रिपोर्टेड नंबर्स नहीं है. तो लेट्स सी कि जून नंबर्स आएंगे, बट मार्च नंबर्स गुड नंबर्स. एक छोटा कंपनी जो सरप्राइज किया सर वो खेतान केमिकल्स है. इसमें सेल्स 21% ऊपर थी, एबिटा 57% ऊपर था और प्रॉफिट दोगुना हो चुका है. इसमें प्रमोटर्स का प्लेज है 55%, सो प्लीज उसको थोड़ा ध्यान रखिए. बट ओनली ऑन द नंबर्स ऑफ इट, ये छोटा कंपनी है. अगेन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स टीम हैज बीन डूइंग वेल, डिड वेल दिस क्वार्टर. ओके, उम्मीद के मुताबिक नतीजे वाली लिस्ट सर. बीएटेक विभाग अभी नो बहुत बार बहुत लोग इस पे बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं. वाटर थीम है. अगर आप नंबर्स अकेले देखें, पीएनएल देखें, तो पीएनएल में आपको नंबर्स अच्छे लगेंगे, इनलाइन लगेंगे. सेल्स 15% ऊपर है, एबिटा 24% ऊपर है, प्रॉफिट डाउन है 25% बिकॉज थोड़ा सा टैक्स का एक कॉम्पोनेंट ज़्यादा आ गया है. बट इसमें इशू पीएनएल का नहीं है सर, बीएटेक विभाग में. जैसे हम बात करते रहते हैं सर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हुआ, तेजस नेटवर्क्स हुआ, बीएटेक विभाग हुआ, या जेन इरीगेशन हुआ, इनमें जो मेजर इशू है वो रिसीवेबल्स का है. आप सोचिए सर, इसके जो रिसीवेबल्स जो मार्च एंड नंबर बताए हैं वो 2000 करोड़ के रिसीवेबल्स अभी भी हैं और वो बढ़े जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़े जा रहे हैं. और इसका सेल्स 2500 करोड़ का है, 2500 करोड़ का. तो 2500 करोड़ में 2000 करोड़ का पैसा अभी तक आया नहीं है और वो हर साल हर क्वार्टर बढ़े ही जा रहा है. सो 6 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता स्टॉक है, नंबर्स अच्छे थे, बट फोकस ऑन द बैलेंस शीट. जाइडस के नंबर्स ठीक आए थे सर, नॉट ग्रेट नंबर्स बट इनलाइन नंबर्स. गोदरेज एक्रोवेट के नंबर्स अच्छे थे सर, एबिटा 17% ऊपर था, प्रॉफिट 16% ऊपर था. टीम ब्लिस ने ठीक ठीक किया है इस बार. आरपीजी लाइफ साइंसेज एक स्टॉक है सर जिसमें बढ़ोतरी हुई है. नंबर्स ठीक थे, इनलाइन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दिए थे. और आयोल केमिकल सर, अगेन यू नो पीपल हैव बीन यू नो बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं, बट नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे, बिकॉज सेल्स नीचे है, एबिटा ठीक है. कोई भी दो सेगमेंट्स हैं इनकी, केमिकल और ड्रग सेगमेंट है. एबिट इंप्रूव नहीं हो रहा, एबिट मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे, सेल्स नहीं बढ़ रही. जो प्रॉफिट ऊपर है वो इसलिए ऊपर है बिकॉज टैक्सेस कम आ गए हैं. I would like to see कि sales jump हो, you know, volume jump हो, pricing jump हो, जो IOL में नहीं हो रहा compared to other companies. Okay, और कमजोर नतीजों की बहुत ही लंबी लिस्ट है, बताएं इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स आपने रखे हैं? मैं थोड़ा हाँ कुछ सेव टाइम सर, मैं थोड़ा जल्दी और कुछ मिस कर दूंगा. डॉक्टर लालपाथ के नंबर्स वीक थे, प्रॉफिट 50% नीचे था, एबिटा 49% नीचे था. वीक इसलिए भी है सर क्योंकि यू नो चाहे आप वो पेशेंट का वॉल्यूम वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक. रिलैक्सो सर सेल्स 44% नीचे है, एबिटा 46% नीचे है और प्रॉफिट भी 50% नीचे था. सुपर कंपनी है सर बट 65 टाइम्स पे ट्रेड करता है, नॉट अ वेरी चीप स्टॉक. सर विनती ऑर्गेनिक्स, मैं बार बार ये पॉइंट आपके माध्यम से बोल रहा हूँ और बोलना चाहता हूँ कि इस बार एपीआई हैज डन मच मच बेटर देन केमिकल्स. एपीआई कंपनी चाहे आप बोरस ले लीजिए, ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज का एपीआई सेगमेंट ले लीजिए, इनके नंबर्स पढ़िए आपको समझ आएगा. बट केमिकल कंपनीज में उतना स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं आ रहे हैं. विनती ऑर्गेनिक सेल्स 20% नीचे थी, एबिटा 20% नीचे था, प्रॉफिट भी नीचे था. ये 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है कंपनी, सो नॉट ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स. टाटा केमिकल्स आल्सो बिकॉज ऑफ यू नो मर्जर डीमर्जर हुआ है, नंबर्स हैव टू स्टडी मोर, बट एबिटा 30% नीचे था. जस्टेल के नंबर्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे सर, अगर आप किसी भी एंगल से देख लीजिए. एबिटा 42% नीचे था, उसका वो पेड कैंपेन हुआ, रियलाइजेशन हुई, सब कुछ नीचे जा रहा है. बट यू नो उनके पास कैश पड़ा है और उन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया हुआ है, सो वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकता है कंपनीज को. देन प्रिंस पाइप, सोलर इंडस्ट्रीज, रेप्रो, यू नो ये ऐसी सी कंपनीज है जिनके नंबर वीक ही आए थे. अनूप इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को सर, ग्यूफिक बायो में इनके नंबर्स कुछ अच्छे नहीं थे. यू नो ये सब कंपनी सर 30-30 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं. ग्यूफिक बायो अगेन पीपल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द एपीआई थीम, बट यू नो प्लीज बी केयरफुल इन स्टडिंग दीज कंपनीज. दे हैव नॉट रिपोर्टेड ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन इनके 15% से कभी ऊपर नहीं गए हैं और इनको वैल्यूएशन मिल रहा है जो डबल है आज की डेट में नॉरस और ग्रैन्यूल्स से. सो थोड़ा सा केयरफुल. ओके, तो ये है कमजोर नतीजों की लिस्ट, लेकिन बहुत ही खराब जिन्हें फुस रिजल्ट, जिनसे बड़ी निराशा है, वो रिजल्ट कौन से हैं? सर आई वाज सरप्राइज्ड बाय थायरोकेयर, यू नो ऑनेस्टली थायरोकेयर के नंबर इतने खराब आ सकते हैं इस क्वार्टर में, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. सेल्स 48% नीचे है सर, एबिटा 81% नीचे था और प्रॉफिट 27 करोड़ से मात्र 23 लाख रह गया. चाहे उसका पैथोलॉजी सेगमेंट देख लीजिए, चाहे उसका रेडियोलॉजी सेगमेंट देख लीजिए,
यू नो दोनों ने बहुत खराब किया है. रेडियोलॉजी वॉज डाउन 80%, पैथोलॉजी वॉज डाउन 46%. यू नो बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन, कुछ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम थेरेपी. ब्लू डॉट सर, हम आपको याद है बात करते रहते हैं कि इस बार मीडिया हुआ, यू नो लॉजिस्टिक सेगमेंट हुआ, उन्होंने नंबर्स खराब दिए हैं सारे के सारे ने. सो ब्लू डॉट का एबिटा लॉस आया सर इस बार 43 करोड़ का, व्हिच इज अ प्रॉफिट ऑफ 114 करोड़. एमएमटीसी मार्च के नंबर्स थे, बट मार्च के नंबर्स में एबिटा लॉस 208 करोड़ का आया सुखी सर, और नेट लॉस 270 करोड़ का. जागरण प्रकाशन मीडिया में सर एबिटा लॉस आया. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हिच आई एम पुटिंग इन फर्स्ट आर जिन्होंने एबिटा लॉस किया, एबिटा लॉस ऑफ 34 करोड़. टाटा मेटेलिक्स अगेन वेरी बजटेड ऑफ नंबर्स कमिंग इन, नेट लॉस था, एबिटा 80% नीचे था. सर एक जेल इरिगेशन है, पीपल गेट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी. एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट कि किस तरीके से रिसीवेबल्स जो है बिजनेस को हर्ट करते हैं. गुड कंपनी, गुड गुड मैनेजमेंट, बट रिसीवेबल्स इतना बड़ा इशू रहा है इस कंपनी का. आप सोचिए सर, मतलब 500 दिन है जो इनको पैसा नहीं आता, यू नो दे डोंट गेट द मनी. मार्च से 37% नीचे है, एबिटा लॉस 166 करोड़ का है. इज अ क्लासिक केस स्टडी, सो बैड सेट नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर फ्रॉम जेनी ब्लू. ओके, तो ये है सबसे खराब रिजल्ट्स वाली लिस्ट, ढेर सारे रिजल्ट्स. और आपने वरिंदर गागर में सागर भर दिया, यानी कि 485 कंपनियों के रिजल्ट्स आपने 10 मिनटों में, जो काम काम के सबसे ज़्यादा थे वो आपने बता दिया. बहुत बहुत शुक्रिया, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, नतीजों का सीजन चल रहा है. हाँ, अब ये ज़रूर है कि आज से रिजल्ट्स आने थोड़े कम हो जाएंगे. आज वायदा कारोबार में सिर्फ एक कंपनी के नतीजे, वो है एक्साइड, लेकिन कैश मार्केट में BSE, धनलक्ष्मी बैंक, KPIT और दीपका कंजाई नेरोलेक, MRPL, बैंक ऑफ इंडिया, सोलारा एक्टिव फार्मा, लंबी लिस्ट है जिनके रिजल्ट्स आने वाले. ओके, शुक्रिया वरिंदर. और आइए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बिगुल पिक ऑफ द डे का. वागले साहब, वेरी 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 गुड मॉर्निंग. बताएं सर, कहां से करें आज की शुरुआत? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग. दीपांशु, गुड मॉर्निंग. शुरुआत तो बाई है अनिल जी मेरे लिए, और सेक्टर भी वही है जो हमने फ्राइडे को चूज किया था. सेक्टर है फार्मा, स्टॉक है अजंता फार्मा. 1629 का बंद है. मैं थोड़े से मार्केट के माहौल में SGX थोड़ा सा 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो मैं थोड़े से करेक्टिव मूव यूज करूंगा बाय करने के लिए. 1610 से 1600 ये मेरे लिए सही रेंज होगी, और 1577 का स्टॉप लॉस होगा. मुझे लगता है 3 से 4 दिनों में ये 1710 तक जा सकता है. ओके, तो अजंता फार्मा यहाँ पर 1600 रुपए के आसपास खरीदें, 1600-1610 रुपए के आसपास. बाजार अगर करेक्शन में आता है आज, जिस तरह से SGX निफ्टी 80 पॉइंट नीचे दिख रहा है. बंसल जी, गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी, मेरा नोटा है, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा आज के लिए, मेरा नोटा है. ओके, मुझे लगता है अब नोटा के लिए एक नया नियम बनाना पड़ेगा, जो नोटा का इस्तेमाल करें उन्हें नोट्स देने पड़ेंगे एडवांस में, ताकि बंसल जी नोटा का इस्तेमाल कम से कम करें. लेकिन बंसल जी, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज, मतलब बहुत. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब पहली बार भी कैसे, पहली बार नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद में आप कुणाल जी के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा यंग, ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं. ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है. कुणाल जी इसका बुरा न माने तो. और तो कुणाल जी, गुड मॉर्निंग. आप बुरा न माने और आप अपनी पिक भी बताएं सर, आप बुरा मानकर नोटा का इस्तेमाल न कर ले. अनिल जी, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग, और साथ ही अनिल जी रक्षाबंधन की आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई अनिल जी. और अनिल जी, बिल्कुल जैसे अभी राकेश जी लग रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अपनी शादी के समय भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे जैसे कि अभी आज दिख रहे हैं. तो बहुत कमाल के लग रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल मेरे से तो कई गुना ज्यादा स्मार्ट लगते ही हैं. एग्जैक्टली, और अनिल जी देखिए, कुणाल जी मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था, खाली घोड़ी और सहरी की कमी है, बाकी दूल्हा एकदम तैयार है. अनिल जी, हो सकता है आज किसी पैटर्न से विवाह भी हो जाए, तो किसी पैटर्न से विवाह होने की पूरी संभावना है अनिल जी आज. अनिल जी देखिए, मेरी खरीदारी की राय है फार्मा कंपनीज में बड़ी तेजी. अभी अभी वागले साहब ने अजंता फार्मा में खरीदारी की राय दी. मुझे कैडिला हेल्थ केयर काफी पसंद आ रहा है अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा शुक्रवार को. अब आज बाजार का मूड थोड़ा खराब है,
तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे मिल जाए, निचले स्तरों पर बाय करें। यहां पर 378 पर एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि 420 यानी कि 419 तक स्टॉक को जाना चाहिए, तो 419 के टारगेट के लिए बाय करें कैडिला हेल्थ केयर को डिप्स पर। आज एक अच्छी खबर भी आई है इस कंपनी के लिए, इनकी एक दवा को मंजूरी भी मिली है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो कैडिला में तेजी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से 419 के लक्ष्य के लिए। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। वेल, पिक ऑफ द डे के तौर पे कोइंसिडेंटली मेरा भी फार्मा स्टॉक ही है और स्टॉक का नाम है वॉकहार्ड फार्मा। वॉकहार्ड फार्मा पिछले 2-3 दिनों में धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अब ये स्टॉक यहाँ से तेजी का स्पीड बढ़ाना चाहिए और ऊपर में 290 से लेके 300 रुपए तक के लेवल वॉकहार्ड फार्मा में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो वॉकहार्ड फार्मा में कल की क्लोजिंग के आसपास खरीदारी की जा सकती है। कोई भी अगर डिप आता है 270 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। 260 रुपए का लगा है स्टॉप लॉस, ऊपर में 290 रुपए से लेके 300 रुपए तक के लेवल वॉकहार्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, 276 के आसपास वॉकहार्ड फार्मा में करें खरीदारी और ये है आपके लिए राय। आइए कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले है बंधन बैंक, जहां पर एक बड़ा ब्लॉक डील होने की तैयारी में है। सुमित जी, आप ही को चार्ट्स देखने और बताने हैं। 10% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होने की बात कही जा रही है, अगर डिस्काउंट पे हो तो क्या खरीदना है? 10,000 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील है, किन लेवल्स पर खरीदारी करनी है और अगर नहीं करनी है तो छोड़ भी सकते हैं, ये बताइए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है बंधन बैंक के लिए अब? अनिल जी, एक बार वेट करना चाहिए, 350 के ऊपर ये सस्टेन करे, 350-360 ये दो लेवल बंधन बैंक के ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है। ये स्टॉक्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक वेट एंड वॉच करे। और नीचे में 330-335 के आसपास का सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तब तो गिरावट आएगी और रेजिस्टेंस लेवल टूटते हैं तो तेजी देखने को मिलेगी। तो एक बार वेट एंड वॉच करना है, मार्केट खुलने के आधे घंटे के बाद किस तरह से डायरेक्शन लेता है उसके बाद इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ओके, तो बाजार खुलने के बाद डिसाइड करेंगे क्या कुछ करना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखेंगे आज क्या कुछ हो सकता है। ओके, यूपीएल बहुत ही शानदार रिजल्ट, फैंटास्टिक। वागले साहब चार्ट देखिए, बताइए क्या अब भी खरीदारी करनी चाहिए? हर एक पैमाने पर नतीजे बहुत ही बेहतरीन। अनिल जी, हमने तो 474 में फ्राइडे को बात की थी कि खरीदना चाहिए और 79 निकलने के पार और ऐड करना चाहिए। 79 तो निकला और क्लोजिंग भी ऐसा कोई बुरा नहीं है, जिस तरह से ब्रेकआउट और प्राइस और वॉल्यूम्स के साथ आया है, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए अनलेस ज़्यादा गैप से ना खुले। और मेरे को लगता है ये 500-510 के आसपास जाना चाहिए 1-2 दिनों में। ओके, 500-510 के लिए जाने की तैयारी में जाना होगा तो 1-2 दिन लगेंगे, आज ही हो जाएगा काम, जिस तरह के रिजल्ट हैं उस हिसाब से देखते हुए तो आज ही हो जाना चाहिए। ये एक आपके लिए टाटा केमिकल्स, कमजोर नतीजे हैं। बंसल जी, जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या ये नीचे जाने को तैयार है? कामकाजी मुनाफा 51% घटा है, मार्जिन आधे रह गए, 29% से 15% ढीले हैं, हर एक पैरामीटर पर नंबर थोड़े से कमजोर है। हालांकि बहुत कंपेरेबल इसलिए नहीं कि इनमें से काफी कुछ कारोबार, इनका प्रोडक्ट बिजनेस का कारोबार जो वो डीमर जो कर टाटा कंज्यूमर में चला गया, टाटा कंज्यूमर के भी कल रिजल्ट आएंगे, लेकिन तब भी टाटा केमिकल्स के अनुमान से कमजोर नतीजे दिख रहे हैं, चार्ट क्या कह रहे हैं? अनिल जी देखिए, चार्ट्स नेगेटिव हैं और चार्ट्स के ऊपर 307.50 रुपये टाटा केमिकल का स्टॉप लॉस है, बिकवाली का स्टॉप लॉस है और एक बार ये स्टॉक कन्विंसिंगली नीचे में 304 के नीचे निकलता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो 304 के नीचे निकलता है तब इसके अंदर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक नेगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। 304 के नीचे निकलेगा तब इसके अंदर एक मंदी टूवर्ड्स 290-293 तक की देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय टाटा केमिकल्स पर आती हुई। आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का, वो है जय टक्कर। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिस सस्पेंस का आप इंतज़ार कर रहे हैं, और आज से जय ठक्कर भी हमारे साथ हमारे एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो रहे हैं और जय आज से आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर दिखेंगे। तो जय के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन बिगुल बनाया है, आइए उसके साथ जय का स्वागत कीजिए। जय का जैकपॉट। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबके साथ वाले एक्सक्लूसिव क्लब में अब हमारे साथ जय भी शामिल हो गए। जय, सबसे पहले तो आपको
बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 1 अगस्त को जय की बर्थडे थी और उसी दिन जय ने और हमने बात की और डिसाइड किया कि अब से जय हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज से जो हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं 9:30 बजे कैश का ऑप्शन, उस कैश का ऑप्शन में जय आपको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी देंगे। ऑप्शन की स्ट्रेटजी में स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में जय का कोई सानी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त महारत है। स्ट्राइक रेशियो मेरे ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट है जय की स्टॉक ऑप्शंस के मामले में, निफ्टी ऑप्शंस के मामले में। तो जो लोग सस्ता ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं पुट या कॉल के जरिए, उनके लिए जय हर रोज़ सुबह 9:30 बजे और 3:10 बजे पर आपको एक बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटजी देंगे, जहाँ पर मार्जिन कम है, रिस्क कम है, ब्रोकरेज भी आपको ऑप्शंस में कम लगती हैं और आपके लिए कैश मार्केट के बजाय ट्रेडिंग का एक मौका बनेगा। जय बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे एक्सक्लूसिव क्लब में, और उम्मीद करता हूं कि बाकी जो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे टीम में हैं उन्हीं की तरह आप भी इन्वेस्टर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे उन्हें डायरेक्शन देने के लिए, स्पेशली ऑप्शंस की स्ट्रेटजी। और कैश मार्केट के भी आपके स्टॉक्स जो होते हैं वो भी गजब है, SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी जब आप अपनी रिकमेंडेशन देते हैं वो भी कमाल की होती हैं, तो आपकी एक्सपर्टाइज का फायदा इस बिजनेस के दर्शकों को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की आपकी पिक ऑफ द डे के साथ, बताएं जय। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन दी, मैं कहूँगा एकदम पैनलिस्ट जो जी बिजनेस का खास है उसमें, और सभी हम दोस्त है, और मैं कहूँगा कि ये चीज़ हमने बात की थी अनिल जी, और ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मैं कहूँगा इस साल की रहेगी मेरी, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई वुड से अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत खुशी हो रही है और सभी के साथ मैं कहूँगा कि एक्सक्लूसिव पैनल में आने की, और इनफैक्ट मैं तो हमेशा आना ही चाहता था अनिल जी, बस ये था कि टाइमिंग बेटर करनी होती है हमेशा, और बर्थडे के दिन यू नो ये निर्णय लेना और ये टाइम करना, मार्केट में हमें टाइमिंग करना होता है, टेक्निकल डेरिवेटिव्स देखते हैं अनिल जी, तो ये बेस्ट टाइमिंग हो गई है मैं कहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही बढ़िया लगा कैरी केचर एज वेल एज बिगुल, और वो जो रुपए का सिंबल है अनिल जी, मतलब यही तो इम्पोर्टेंट है, रुपए ही कमाने बस पैसे बनाने हैं, पैसे बनने चाहिए ये आप हमेशा कहते हैं, तो डेफिनेटली वही कोशिश रहेगी कि हमेशा पैसे बने दर्शकों के। एंड मैं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, श्रावण का सोमवार है ही, साथ ही साथ रक्षाबंधन है, तो ये शुभ दिन के साथ शुभ शुरुआत भी हो रही है अनिल जी, सो थैंक यू वेरी मच एंड रियली हैप्पी to be in among the one of the exclusive panelists of this business. Thank you very much, Anil. बहुत बहुत स्वागत है जय, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसे कंसीडर किया, हमारी रिक्वेस्ट को माना, स्वीकार किया और दिल से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं सर, शुरुआत करते हैं आपकी पिक ऑफ द डे के साथ, बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, एक मिड कैप सेगमेंट से फार्मा स्टॉक्स ही है जिसमें मैं आज पिक ऑफ द डे दे रहा हूँ, वो है गुफिक बायोसाइंसेस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक ने एक परफॉर्मेंस दिया था, लगभग 7-7.5% की हमें एक अप ट्रेंड देखने मिली थी, 97.5 के आसपास ये स्टॉक में हमें 97.5-98 के आसपास हमें क्लोज देखने मिला था। ये स्टॉक में रिजल्ट्स भी बढ़िया है, कमेंट्री मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी, और टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स में काफ़ी क्लियरली एक ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें हमें लगभग ऑन दी अपसाइड 110 तक के मूव देखने मिल सकते हैं, ऑन द लोअर साइड में कहूँगा 92 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है। सो गुफिक बायोसाइंस मेरा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, और आते ही पहले ही दिन आप अपने को पैनलिस्ट की तरफ से बधाई धन्यवाद स्वीकार करें कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, क्योंकि शुक्रवार को ही कुणाल जी और राकेश जी ने 94.25-94.50 के आसपास गुफिक बायो में उन्होंने अपनी टेक्नो फंडा पिक दी थी क्लोजिंग शो में, और आज आपकी और उस पर मुहर लग गई खरीदारी करने के लिहाज से, तो उनका धन्यवाद स्वीकार करें। लेकिन स्वागत करते हैं जैन साहब का, जैन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। जैन साहब, शुरुआत करते हैं आपकी पिक ऑफ द डे के साथ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी अनिल जी, मैं एकदम टाइम पे जुड़ नहीं पाया आज, लकीली मैं वैसे एक चीज बोलूंगा, इतनी जबरदस्त जयपुर में बारिश हो रही है और पूरी रात से लाइट चली गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो आज पता चल जाएगी कितनी इंपॉर्टेंस है इस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की, और जयपुर में ऐसी बारिश बहुत दिनों बाद देखने को मिलेगी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है अभी के समय पे, इस समय पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुबह की 3-4-5 बजी और 6 बजी और कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी एक्टिविटी स्टैंड स्टिल हो रखी है। बट एनी वेज मैं 10 की ये पिक ऑफ द डे में पिक्स ऑफ द डे दूंगा अनिल जी, और एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, पूरे को पैनलिस्ट को, आपको और पूरे व्यूअर्स को। अमृतांजन एक स्टॉक है जो कि मैंने पहले भी बहुत बार दिया हुआ है और अभी भी बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि देखिए एक बहुत अच्छा प्ले है, फार्मा FMCG दोनों का कस्प है, सैनिटरी नैपकिंस में है, ये लोग ओवरऑल अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को बहुत अच्छा और बढ़ा दिया है, सो अमृतांजन विल बी अ वेरी गुड पिक।
सोनाटा सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट वीक भी दिया था ये, और अभी भी मुझे लगता है कि आईटी सॉफ्टवेयर ये कंपनियां बेहतर है, क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स के साथ जाना चाहिए, और आईटी फार्मा एफएमसीजी उसमें अच्छे से आ रहे हैं, और इस बार पूरे 3-4 महीने में बहुत बढ़िया से रेजिलियंस दिखाए हैं। और तो ये दो स्टॉक, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सो इंडिया, मुझे ये पेंट्स की कंपनी अच्छी लगती है, रूरल इंडिया थीम में इस बार बहुत बढ़िया जाना चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक्स मैंने पहले दिए हुए हैं कोई ना कोई तौर पे, या पिक ऑफ द डे या लॉन्ग टर्म पिक या वैल्यू पिक के तौर पे या पिक ऑफ द डे में, बट ये तीनों पिक्स आज के लिए भी बढ़िया लगती है मुझे। दो मार्केट्स खराब लग रहे हैं खुलते हुए, बट मौका देख के इन स्टॉक्स में घुसे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर गिर के खुले तो थोड़ा सा रुके, क्योंकि मार्केट्स ओवरऑल मैटर करते हैं मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप। ओके, तो मिड कैप्स में सोच समझकर बाजार के करेक्शन में लगाएं पैसा। ये है जैन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर आपको करनी है तेजी।